बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर अगल विद अ बास्केट, क्या नाम है लास्ट चैप्टर का? अगल विद अ बास्केट, यानी कि एक लड़की टोकरी के साथ। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस एक अमेरिका के रहने वाले जज हैं, जो हमारे भारत में हिमालय की सैर करने के लिए आए हैं। और पहले हमारे देश में इतनी सुविधा नहीं थी कि आप सीधा एक ही व्हीकल से कहीं भी आ जा सकें। पहले कुछ रास्ते हमें पैदल चलने पड़ते थे, कुछ जगह में ट्रेन से जाना पड़ता था, कुछ जगह में बस से जाना पड़ता था, कुछ जगह कार से जाना पड़ता था। तो इसीलिए हम उस दूरी को तय करते थे। जैसे कि आजकल हवाई जहाज की इतनी अच्छी सुविधा है कि आप पलक झपकते ही कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, चाहे कितने हजारों मील की दूरी होती है, और आप फटाफट उस दूरी को पार कर लेते हैं। तो ये जो अमेरिकन जज थे, डब्ल्यू सी डगलस यानी कि विलियम सी डगलस, इनके एक बार भारत भ्रमण की, यानी कि हिमालय पर्वत देखने की, क्योंकि जो हिमालय हमारे भारत का ताज है, ये हिमालय हमारे भारत का ताज है, जिसकी पर्वतमालाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी दूर दूर तक फैली हुई है कि ये दूर से ही दर्शकों का मन अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उसको देखने के लिए ये एक बार भारत आए, और ये दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी से गए, आगे फिर वो कार से जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया। तो जब वो ट्रेन से जा रहे थे, तो रास्ते में वो पहले तो एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं थी, और वो हर स्टेशन पर रुका करती थी। तो जो भी कच्चा स्टेशन, छोटा हो बड़ा हो, हर स्टेशन पर वो रुकती थी। तो हर स्टेशन पर आपको पता ही है कि हमारा जो भारत है, एक सिकुलर देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण, हर तरह के लोग रहते हैं, और हर समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उस ट्रेन में भी हर तरह के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर लोग थे। तो जब वो रेल से यात्रा कर रहे थे, तो उनकी इच्छा होती थी कि वहाँ के लोगों से वो बातचीत करें, क्योंकि ये पानी पानी का फर्क होता है, या आप कुछ भी समझ लें कि आप जरा सी दूर भी जाते हैं तो वहाँ के रहन-सहन में, वहाँ की बोलचाल में, वहाँ की वेशभूषा में अंतर हो जाता है। तो जगह जगह जब स्टेशन पर लोग उतर रहे थे, तो वो इंग्लिश अंग्रेजी कम बोल पा रहे थे। तो जब अंग्रेजी कम बोल पा रहे थे, तो उनके समझ में उनकी भाषा भी कम आ रही थी। लेकिन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो इंग्लिश बोल रहा था, और उन्होंने सफेद रंग के ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे, नंगे पैर थे वो लोग, क्योंकि वो एक तरह के धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग थे वो। और उनकी इच्छा थी कि उस देश, उस जगह के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करें। तो वो सब लोगों से बात करते, और वहाँ की जितनी भी जानकारी थी उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार, सॉरी, तो बात करते करते एकदम बच्चों का झुंड, छोटे बच्चों का झुंड, हाथ में टोकरियां लेते हुए लेकर वो एकदम उनके पास आकर इकट्ठा हो गया, और वो सब बच्चे उनसे टोकरी की जिद करने लगे। तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चे कैसे हैं, कहाँ से आए। तो उन्हें ये पता चला कि ये वो बच्चे हैं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ये पाकिस्तान से जो भारतीय हमारे देश के थे, उन्हें एकदम जल्द ऐसे ही निकाल दिया गया था वहां से, बंटवारे के वजह से। तो उनके पास, इन बच्चों के माता पिता के पास, थोड़ा बहुत जो भी सामान था, खाने पीने का जो अपना सामान था, क्योंकि उन दिनों पैदल यात्रा ही करते थे लोग, कोई यातायात की सुविधा नहीं थी, तो वो अपने साथ जितना कम से कम सामान ला सकते थे वो लेकर आए। और रास्ते में ही उनका सामान थोड़ी दूर चलने पर ही, क्योंकि वो रास्ते मीलों दूर थे, और वो रास्ते चलने में, पैदल चलने में ही उनका वो खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। रास्ते में कहीं कोई दुकान नहीं थी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वो लोग भूखे ही तड़पते हुए मर गए। बहुत से लोग उनमें से जीवित बचे, और वो किसी तरह से इधर अपने जीविका कमाने के लिए, अपने को बचाने के लिए इधर ही तड़पते हुए मर गए। बहुत से लोग उनमें से जीवित बचे,
और वो किसी तरह से इधर अपने जीविका कमाने के लिए, अपने को बचाने के लिए इधर उधर भारत में आ गए। तो ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता शरणार्थी थे, यानी ये बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हमारे देश में आए थे। तो इनकी इनकम इतनी नहीं थी कि ये अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकें, तो ये इसी तरह अपने हाथ से ही सरकंडों की, बांस की और तरह तरह की चीज़ों की टोकरियां बनाकर, जो इन्हें खेतों में सामान मिल जाता था उससे टोकरियां बनाकर बेचते थे और अपनी जीविका चलाते थे। तो उन बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की टोकरियां बना रखी थी, पंखे बना रखे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखे थे। तो वो जो अंग्रेज थे WC डगलस, उन्हें वो बहुत पसंद आई और उन्होंने कुछ टोकरियां खरीद ली। लेकिन जब वो टोकरियां उनको, जब बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे तो वो मना भी नहीं कर पाए और उनके ना चाहते हुए भी उन्होंने वो टोकरी ले ली। जब टोकरियां ले ली, सामान ले लिया, तो अब उनके हाथ दोनों भर गए। फिर एक छोटी सी लड़की जो बहुत देर से उन्हें देख रही थी, तो वो आई एकदम, और वो छोटी सी थी, उसने टोकरी उनकी तरफ बढ़ा दी। तो जब वो टोकरी बढ़ाई तो उनके दोनों हाथ में सामान था। वो उस टोकरी, उन्होंने क्या करा, उन्हें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो ये छोटी सी लड़की है, उन्होंने अपनी जेब से एक सामान इधर रखा, फिर अपनी जेब से पॉकेट से पैसे निकाल कर उस बच्चे की टोकरी में रख दिए। जैसे उस बच्चे की टोकरी में पैसे रखे उन्होंने, तो वो उसकी बच्ची की आँख से आंसू आ गए। बच्ची की आँख से आंसू आ गए तो वो बहुत दुखी हुई लड़की, रोने लगी। तो उन्हें बहुत देख के दुख हुआ इस बात का कि भई मैंने तो उसको हेल्प की है, सहायता करी है, ये क्यों रोने लगी है ऐसी। तो उसने टोकरी बढ़ा दी कि आप अपने पैसे ले लीजिए। तो डगलस जी के समझ में तब आया कि अच्छा, मैंने इसकी इस तरह से सहायता की है, तो ये लड़की कितनी स्वाभिमानी है कि इसने बिना मेहनत की कमाई के पैसे नहीं लिए। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उस लड़की से टोकरी ली और उसको ज़्यादा पैसे दे दिए और वो लड़की खुशी खुशी भागकर अपने घर की तरफ चली गई, स्टेशन पे से कूद के चली गई। तो ये बात उस लड़के की, उन जज साहब के दिमाग में ऐसी बैठ गई कि भारत के लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, कि ये जरा सी भी किसी से इस तरह की भिक्षा के रूप में कोई भी सहायता नहीं लेना चाहते हैं और भिक्षा के रूप में कोई भी सहायता नहीं लेना चाहते हैं। और उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी इस बारे में बताया कि आपके भारत के लोग कितने स्वाभिमानी हैं, मैं गर्व करता हूँ ऐसे भारत के लोगों पर। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कैसे भी करें, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, कोई चोरी नहीं करनी है, कोई किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमें हमेशा खुश रहकर मेहनत करके ही काम करना है। और बच्चों, कल मैं आपको